बेरी बेरी बाजे रे पलाईया। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक बिल जमा करने। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि हाउ टू पे द इलेक्ट्रिक बिल्स, वो सब तुम लोग टेक्नोलॉजी अपने यूज करते हो यार, अच्छी बात है। मैं भी वही करता हूँ, ऑनलाइन बहुत पे करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज यार इलेक्ट्रिक का बिल जमा कर जाते हैं, और मैं फ्री घर में बैठा था, तो चलते हैं आज देखते हैं। आज की वीडियो इसी पे है, कैसे बिल जमा होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो बिल ले जाना है, काउंटर पर देना है और पैसे देने हैं, बस वो अपने सारे प्रोसेस। तो ये रही मेरी साइकिल, इससे जाऊँगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने 10 और 12 के स्टूडेंट्स को साइकिल दी थी, तो ये मेरे भाई की साइकिल है। मेरी साइकिल तो वहाँ पे मैंने रखा है हॉस्टल में। चलते हैं, देखते हैं, आगे इसी साइकिल से जाना पड़ेगा। श्रीरामपुर एक ओवर तीसरा और श्रीरामपुर के रेलवे लाइन्स बिछी हुई है, जो कि इसलिए यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया गया है। और ओवरब्रिज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लंबा भी है, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चल रहे हैं ना, सारा का सारा चीज वही है। पास में ये 5 मिनट लगेगा मेरे को, और 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और देखते हैं यार, बहुत तेज की ट्रैफिक है और हवाएं भी अच्छी चल रही है, और गाड़ी के पीछे आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। So, मैं अभी यहाँ इलेक्ट्रिक ऑफिस आ चुका हूँ और देख रहा हूँ बहुत भीड़ कम है यहाँ पे, मतलब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही पे कर दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे फाइनल हो गई कि यार हमारा देश डिजिटलाइजेशन जरूर हो रहा है यार, सारे डिजिटल हो गए हैं। और ये मेरा बिल जमा हो चुका है और मुझे मिल चुकी है, ये रिसीव बिल भी मिल चुका है मुझे। और मैं बस अभी यहाँ से निकलने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 5 मिनट हो गए, ज़्यादा लाइन नहीं था क्योंकि आजकल यार सारे लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं, मैं भी वही काम करता हूँ। बट मैंने आज सोचा कि यार फ्री बैठा था तो चलो कर लेते हैं कुछ काम, तो बस वही आज मैं निकल गया। और प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, घर से थोड़ा बाहर निकलो यार, भले ऑनलाइन सारे चीज़ हो जा रहे हैं लेकिन घर से थोड़ा बाहर निकलोगे यार काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके सेहत के लिए। दोस्त यार, फैमिली फ्रेंड जिसके साथ भी हो, थोड़ा बाहर निकलिए, घर से घूमिए, मार्केट की रौनक देखिए, सच में दिल खुश हो जाएगा।